वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ गेम जिसका नाम है गो। और इसका जो ट्रेडिशनल और एंशंट नाम होता था वो होता था विची। पढ़ने में इसको विकी लगा रहा है, लेकिन चाइनीज़ में जो क्यू आई है इसको हम ची पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता था विची। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, वी का मतलब होता है घेराबंदी करना, और ची या की मतलब होता है बोर्ड गेम या कह सकते हो चेस गेम। तो बेसिकली यही इसमें आप याद रखिए, इसका मतलब घेराबंदी। तो यहीं से आपको इस गेम के सारे रूल समझ में आ जाएंगे और गेम आपके लिए बड़ी सिंपल हो जाएगी। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है फ्रेंड्स खेलने के लिए? खेलने के लिए देखिए, एक तो हमें बोर्ड चाहिए। अब जो ट्रेडिशनली खेला जाता है इस बोर्ड पे, उस पर 19x19 लाइंस होती हैं और टोटल 361 पॉइंट्स बन जाते हैं। लेकिन अब आप बिगिनर हैं, आपने कभी ये गेम खेली नहीं है, तो आप सिंपल जो चेस बोर्ड होता है ना, 9x9 लाइंस, ये यूँ कहें 64 खानों वाला जो बोर्ड होता है, उसको लेके भी आप खेल सकते हैं। और इस बोर्ड के अलावा हमें क्या चाहिए होता है, दो प्लेयर्स की गेम होती है ये, तो एक को वाइट डिस्क चाहिए होती है, एक को ब्लैक डिस्क चाहिए होती है खेलने के लिए। तो अब हम इसके बेसिक रूल सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड ले लेते हैं दोनों प्लेयर के, वाइट और ब्लैक डिस्क ले लेते हैं, और इसके अलावा हम दो एरिया और ले लेते हैं या दो प्लेट्स ले लेते हैं जिसमें हम प्रिजनर रखेंगे। अब प्रिजनर क्या होता है, प्रिजनर वाली गिट्टी, वो गेम के रूल के साथ आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला रूल इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो है ना, जो गिट्टी रखी जाती है वो स्क्वेयर्स के अंदर नहीं रखी जाती बल्कि पॉइंट्स के ऊपर रखी जाती है। अब दूसरी चीज़ हमें इसमें पता होना चाहिए गेम में कि लिबर्टीज़ क्या होती है। देखिए, कोई भी गिट्टी है, कोई भी जो डिस्क रखी है ना, उसकी लिबर्टी क्या होती है, जो लाइन से कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं ना उसके, उसी को हम उसकी लिबर्टीज़ बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो ब्लैक वाली डिस्क रखी है, इसके चार लिबर्टीज़ हो जाएंगी। जो इसके साथ में जो कॉर्नर वाली होती हैं वो लिबर्टीज़ में नहीं आती। अब उसी तरह से जो साइड में ब्लैक डिस्क रखी है उसकी कितनी लिबर्टीज़ हो जाएंगी, 3 लिबर्टीज़। और जो बिल्कुल कॉर्नर में रखी है उसकी कितनी लिबर्टीज़ हो जाएंगी, 2 लिबर्टीज़। तो अब लिबर्टीज़ को जानना ज़रूरी क्यों है, तो उससे हमें अगला बेसिक रूल जो अब आता है गेम का, वो अब ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मान ले ब्लैक की डिस्क रखी है, अब वाइट की टर्न आती है। अब वाइट को ब्लैक की डिस्क को यहाँ से प्रिजनर बनाना है। उसको प्रिजनर बनाने के लिए करना क्या होगा, उसकी जो सारी की सारी लिबर्टीज़ है ना, उसको ब्लॉक करना होगा। तो जैसे इस केस में इस ब्लैक डिस्क की चारों की चार लिबर्टीज़ वाइट प्लेयर ने ब्लॉक कर दी हैं, तो इस केस में ये जो ब्लैक डिस्क है वो प्रिजनर बन गई है। उसी तरह से कॉर्नर वाली में, ठीक है, इसके 3 लिबर्टीज़ को ब्लॉक कर दिया, उसकी दोनों लिबर्टीज़ को ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करके जो प्रिजनर बन जाता है उसे हम प्रिजनर एरिया में रख लेते हैं। तो अब आपको ये प्रिजनर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगला एग्जांपल हम समझते हैं। अब सपोज़ दो ब्लैक डिस्क एक साथ पड़ी हैं ग्रुप में, अब इसकी लिबर्टीज़ किस तरह से होंगी? देखिए, इसकी लिबर्टीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी दो के एक साथ ग्रुप हो गया, तो उन सारी की सारी लिबर्टीज़ को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा इनको प्रिजनर्स बनाने के लिए। उसी तरह से 3 है तो 3 को इस तरीके से रखना पड़ेगा प्रिजनर बनाने के लिए। तो फ्रेंड, ये बेसिक आपको समझ में आ गया लिबर्टीज़ क्या होती हैं और प्रिजनर कैसे बनाना है दूसरी गिट्टी को। तो अगला हम बेसिक रूल सीखते हैं, अब को रूल क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड देखिए, एक एग्जांपल हमारे सामने है, इस बोर्ड पे वाइट प्लेयर की टर्न है। अब सपोज़ आप कहोगे ये यहाँ पे रखता है और इस ब्लैक वाली प्लेयर की जो लिबर्टीज़ है ब्लॉक कर देता है और इसको प्रिजनर बना लेता है। आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अब टर्न आती है ब्लैक की, अब वो क्या करेगा, वो भी अपनी गिट्टी रखेगा। अब उसने इसे वाइट वाले प्लेयर की लिबर्टीज़ ब्लॉक कर दी, उसको प्रिजनर बना लिया। तो इस तरह से इस स्टेप में क्या हुआ, तो बेसिकली वही जो कंडीशन पहले थी ना, एक स्टेप पहले, वही कंडीशन इस बोर्ड पे दोबारा आ गई। तो इसी को हम को रूल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रिपीटेशन रूल, कि सेम चाल बार बार रिपीट होगी अगर आप कोई टर्न चलेंगे दोनों प्लेयर्स। तो इस केस में ये चीज़ अलाउड इसलिए नहीं होती जहाँ पे रिपीटेशन होती जा रही हो सेम चाल की, कहीं ना कहीं और गिट्टी को बीच में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, को रूल हमने जान लिया, अब हम जानते हैं कि आईज़ का रूल क्या होता है, 1 eye 2 eye और मोर देन 2 eye। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जांपल पढ़ाइए। देखिए, इसमें जो ब्लैक का ग्रुप है ना, उसको वाइट वाले ने सराउंड कर लिया, उसकी सारी लिबर्टीज़ ब्लॉक कर दी हैं। तो आप कहोगे कि ये जो ब्लैक डिस्क है ये प्रिजनर बन जानी चाहिए, लेकिन फ्रेंड ये प्रिजनर बनेंगी नहीं। क्यों? तो क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे, ग्रुप में अंदर दो पॉइंट्स एम्प्टी छोड़े हुए हैं और ये होता है आईज़। तो किसी ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा आईज़ अगर होती हैं तो उन्हें प्रिजनर नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह से ये एग्जांपल आपके सामने है, इनको भी देखिए, दो आईज़ हैं इसके पास, तो इनको भी प्रिजनर नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अब ये ब्लैक का ग्रुप है, इसको वाइट वाले ने इसकी लिबर्टीज़ को ब्लॉक कर दिया है, तो क्या इनको प्रिजनर बना लेगा, इन सारी गिट्टियों को? बिल्कुल इसको प्रिजनर बना लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आई है। प्रिजनर कहाँ पे नहीं बना सकता, जहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा आईज हों, तो इसलिए ये प्रिजनर बन जाएंगी। अगला एग्जांपल समझते हैं। अभी देखिए, इसमें भी क्या है, दो आईज हैं, तो इसलिए इनको भी प्रिजनर नहीं बनाया जा सकता, इन ब्लैक गिट्टियों को। अगला एग्जांपल समझते हैं।
अब इसमें भी आपके सामने दिखता दो आ ही रही हैं, तो आप कहोगे इनको भी रिजन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो रेड से मार्क्ड पॉइंट है ना, ये एक्चुअली ट्रू आई नहीं है, फॉल्स आई है। क्यों? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कोर रूल यानी कि रिपीटेशन। यहाँ पे अगर वाइट प्लेयर रखेगा ना, तो वही रिपीटेशन और कोर रूल अप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉल्स आई है। ट्रू आई वही मानी जाएगी जहाँ पे कोर रूल ना अप्लाई होता हो, तो इसलिए यहाँ पे इस जो ब्लैक ग्रुप में सिर्फ एक ही आई है, ट्रू आई, और इस तरह से इनको ही प्रिजनर बनाया जा सकता है। तो हम गेम सीखते हैं हम कैसे खेलना है। तो फ्रेंड सबसे पहली चाल जो एक तो रूल्स में होता है कि सबसे पहले जो टर्न आती है वो ब्लैक प्लेयर की आती है कन्वेंशनली, जिसके पास ब्लैक डिस्क है। फ्रेंड दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने प्लेयर को अपनी टर्न में कहीं ना कहीं बोर्ड के ऊपर अपनी गिट्टी रखनी या अपनी डिस्क रखनी ज़रूरी है। और अगर डिस्क को नहीं रखना चाहता तब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने उसको पास करना पड़ेगा और एक प्रिजनर की तरह दूसरे प्लेयर को अपनी गिट्टी देनी पड़ेगी। और दो लगातार अगर आप पास कर देते हैं तो वहीं के वहीं गेम ख़त्म हो जाती है और स्कोरिंग कैलकुलेट होती है। तो फ्रेंड गेम एंड कैसे होती है, और इसके अलावा फ्रेंड जब आपको लगता है किसी प्लेयर को कि अब वो कोई और टेरिटरी अपनी बढ़ा नहीं सकता या दूसरे की टेरिटरी कम नहीं कर सकता, या यूँ कहें कि दूसरे की कोई और गिट्टी को वो कैप्चर नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में गेम ख़त्म हो जाती है। गेम ख़त्म हो जाती है तो अब जिस जिसकी जो जो टेरिटरी होती है ना, उसके अंदर अब कुछ गिट्टियाँ होती हैं जो डेड गिट्टियाँ, डेड स्टोन्स हैं उसको हम बोलते हैं। तो डेड स्टोन्स हम कैसे पहचानेंगे, तो डेड स्टोन्स क्या होते हैं उससे पहले अब ये जान लीजिए, इस गेम में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी रह सकते हैं जो ना वाइट के एरिया में आएंगे ना ब्लैक के एरिया में आएंगे, तो वो किसी की तरह स्कोरिंग में कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे कि हमारे इस बोर्ड में ये रेड कलर से मार्क्ड है, ये ना वाइट का एरिया है ना ब्लैक का एरिया है। तो अब जो डेड स्टोन होते हैं उनका होता क्या, देखिए डेड स्टोन होते हैं वो सिंपल प्रिजनर की तरह दूसरे प्लेयर को दे दिए जाते हैं। आप कहोगे हमें डेड प्रिजनर्स पता कैसे चलेंगे या डेड स्टोन्स पता कैसे चलेंगे, देखिए टेरिटरी का पता चल सकता है, वैसे तो जितनी गेम्स खेलोगे उसमें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा, लेकिन अब फिर भी आप बिगिनर हैं आपको इतनी जल्दी नहीं पता चलता। तो अगर आप गेम को आगे कंटिन्यू भी करेंगे ना, तो जो मैं जैसे मैं मार्क्ड करे ना मैंने एरिया ब्लैक के और वाइट के, तो वाइट के एरिया में जो ब्लैक वाले स्टोन्स हैं अल्टीमेटली मर जाएंगे और प्रिजनर बन जाएंगे, उसी तरह से जब ब्लैक के एरिया में जो वाइट वाले स्टोन्स हैं वो प्रिजनर बन जाएंगे, तो इसलिए आगे आप गेम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा वही। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये ब्लैक का एरिया है और ये वाइट का एरिया है और गेम यहाँ पे हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब ये होगा गेम एंड कैसे होगी, डेड स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, वाइट का एरिया होगा ब्लैक का एरिया होगा। अब इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इसके बाद आती है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग कैसे होती है, स्कोरिंग के लिए वही होता है ब्लैक का एरिया और वाइट का एरिया देखा जाता है। अब सपोज हमने वाइट प्लेयर की स्कोरिंग करनी है तो कैसे होगा, देखिए जितने एरिया में उसके पॉइंट्स हैं ना रह गए हैं वो, ठीक है, और उसके अलावा जितने उसने प्रिजनर्स बनाए हैं वो, उन दोनों को ऐड होगा और वो इसके टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे। उसी तरह से ब्लैक प्लेयर के लिए भी होगा, जितने उसके पॉइंट्स हम बोर्ड पे हैं प्लस उसने जो प्रिजनर बनाए हैं उसको मिला के जो उसका स्कोर होगा वो उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि प्रिजनर्स प्लस एम्प्टी पॉइंट्स जो होती हैं स्कोरिंग होती है। लेकिन फ्रेंड इसमें एक चीज़ अब एक्स्ट्रा आती है, वो क्या आती है, वो है कॉमी। मतलब जो वाइट वाला प्लेयर है ना उसको 6.5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो गेम शुरू होती है वो ब्लैक प्लेयर से शुरू होती है, तो गेम में ये माना जाता है जो प्लेयर पहले शुरू करता है ना उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, तो उस एडवांटेज को बैलेंस करने के लिए जो दूसरा प्लेयर यानी कि जो वाइट प्लेयर है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये गो गेम पसंद आई होगी और रूल समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।